हेलो गाइज, मैं विनीत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइज, अगर आपने 15 जनवरी की रो को देखी तो आपने ब्रॉन स्ट्रोमन का तूफान तो जरूर देखा होगा। ब्रॉन स्ट्रोमन ने ऑन स्टेज एंड बैक स्टेज सब कुछ तहस नहस कर दिया। ब्रॉन ने पीसीआर स्टाफ, वैन, सुरक्षाकर्मी और कर्ट एंगल के रूम में जमकर तोड़फोड़ की। यहां तक कि ब्रॉन ने माइकल कॉल को भी निशाना बनाया और सुरक्षाकर्मियों के ऊपर धक्का दे दिया था। पूरा बैक स्टेज ब्रॉन का शिकार बन गया। तो गाइज, आप सोच रहे होंगे कि वो किस चीज का बदला ले रहे थे। दरअसल रॉ की शुरुआत में ब्रॉन स्ट्रोमन ने अपने रॉयल रंबल के मुकाबले में चैंपियनशिप जीतने की बात कही थी, जिसके बाद कर्ट एंगल ने कहा कि तुम उस मैच का हिस्सा नहीं हो और ब्रॉन को उस मैच से हटा दिया, जिसके बाद ब्रॉन का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। इसके बाद उनका गुस्सा तभी शांत हुआ जब स्टेफनी मिकमैन ने उन्हें वापस उस मैच में सम्मिलित करने की घोषणा की। ब्रॉन स्ट्रोमन का ये रूप देखकर एक बार की तो सभी सहम गए और रॉयल रंबल में भी उनके विरोधियों को चेतावनी मिल गई। तो गाइस, ये था कारण जिसके कारण ब्रॉन ने मचाया था आतंक। आपके क्या है ओपिनियन, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद तो इसे कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।